नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2016 में गड़बड़ी पर केस दर्ज की गई है। विजिलेंस ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन सचिव समेत 5 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आयोग ने जूनियर इंजीनियर की 478 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई थी। शिकायत मिलने पर सितंबर 2017 में विजिलेंस ने गोपनीय जांच शुरू की थी। मामले में आयोग पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों दस्तावेजों का नियमानुसार परीक्षण न कराने का आरोप लगा है। अंतिम चयन सूची प्रकाशित करवाने में भी गड़बड़ी का आरोप है। जांच में पता चला है कि आरक्षण नियमों को दरकिनार कर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक पुरुष अभ्यर्थी के स्थान पर एक महिला अभ्यर्थी का चयन कर दिया गया था। मामले में विजिलेंस ने आयोग के तत्कालीन सचिव महेश प्रसाद, अनुभाग अधिकारी राम बाबू यादव, अनिल कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सतई प्रजापति पर केस दर्ज कराई है। शासन से इजाजत मिलने पर विजिलेंस ने लखनऊ के विभूति खंड थाने में केस दर्ज करा दी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी नहीं किया गया, नहीं तो परिणाम 20 फरवरी 2020 को जारी कर दिया जाता। आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी।